हाई ऑल दिस इज़ एंजली वेलकम टू माई चैनल और आज हम करेंगे हाउ टू सॉर्ट सीरीज इन पानर्स सो ये वीडियो है क्लास ट्वेल्थ आई पी के लिए फॉर द सेशन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू हम पूरा का पूरा सिलेबस दोबारा से फ्रेश कर रहे हैं विदाउट एनी रिड्यूज टॉपिक अगर फर्दर कुछ रिडक्शन होगी तो आपको बता दिया जाएगा पर अभी तक सी बी एस ई की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ रिडक्शन दिस ईयर लाइक लास्ट ईयर थर्टी परसेंट सिलेबस रिड्यूज़ किया गया था आई बी कवरिंग ऑल द टॉपिक्स अभी जो हम कर रहे हैं अगर आप सुमिता अरोड़ा यूज़ कर रहे हो तो दिस इज चैप्टर वन फ्रॉम सुमिता अरोड़ा दैट इज डेटा हैंडलिंग वन फर्स्ट यूनिट जो आपकी है एंड हमने शुरू किया है सीरीज वी हैव डन हाउ टू क्रिएट अ सीरीज हाउ टू यूज सीरीज एट फंक्शन एंड लास्ट क्लास में हमने किया था कि बुलियन इंडेक्सिंग सीरीज पे कैसे करते हैं आज हम करेंगे कि सीरीज को शॉर्ट कैसे करते हैं इट्स अ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर तो वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है जो पांडास लाइब्रेरी के अंदर आता है हाउ टू सॉट इट हाउ कैन यू अरेंज इट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर तो वो कैसे होता है दैट इज़ वॉट वी विल बी डूइंग टूडे ठीक है सो आप सबको सीरीज बनानी आती है अच्छे से अब अगर आपने सीरीज बना ली है आप उसको शॉर्ट करना चाहते हो तो काम तो बहुत आसान है जैसे कि आपको पता है कि पाइथन में हर चीज़ के लिए पहले से फंक्शंस बने हुए होते हैं तो अगर मैंने यहाँ पर एक सीरीज क्रिएट की है जिसमें मैंने स्टूडेंट के मार्क्स लिखे हैं या कुछ भी ऐसे सो वी हैव टेकन इम्पोर्ट पांडाज एज पी डी एंड मैंने यहाँ पर सीरीज क्रिएट की एस इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज एंड द डेटा हैज़ सर्टन नंबर कुछ भी ऐसी वैल्यूज़ हैं अब क्या करना है आपको यू हैव टू सॉर्ट दिस तो सॉर्टिंग के दो तरीके हैं यहाँ पे सीरीज के लिए आप सीरीज के साथ सॉर्ट अंडर स्कोर वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हो एज वेल एज सॉर्ट इंडेक्स फंक्शन भी है तो हम वैल्यू के बेसिस पे भी सॉर्ट कर सकते हैं और इंडेक्स के बेसिस पे भी सॉर्ट कर सकते हैं बट आप में से कुछ लोग जिन्होंने शायद सॉर्ट वर्ड पहली बार सुना हो आप सोच रहे हो कि मैम सॉर्ट क्या होता है सॉर्ट इज अरेंजिंग द डेटा अरेंजिंग द डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर सो अगर आपको एक सीरीज के डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो कैसे करेंगे दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग अ सीरीज फाइन सो सीरीज का टॉपिक आज हमारा खत्म हो जाएगा आज ये लास्ट चीज़ है जो हम सीरीज पे कर रहे हैं पूरे सीरीज के जो नोट्स हैं उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं सो आप वो नोट्स लेंगे ठीक है एंड यू विल बी गोइंग थ्रू दोज नोट्स कोई प्रॉब्लम हो कुछ नहीं समझ आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो नीचे टेलीग्राम का भी लिंक गिवन है सो so, आप वो नोट्स अगर आप नीचे से डाउनलोड नहीं करना चाहते हो तो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप आई विल बी शेयरिंग द नोट्स ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो तो आप वहां से भी ले सकते हो ठीक है दूसरी चीज आपको एक वर्कशीट भी दी जा रही है आज सीरीज की तो सीरीज की एक वर्कशीट दूंगी वो वर्कशीट जो है वो आप सॉल्व करके देखना कि आपको कितना समझ आया तो जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे उतना आपको अच्छे से समझ आ गया एक अगली वीडियो में मैं वो पूरी वर्कशीट आपके साथ डिस्कस भी करूँगी सो so, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी उस वर्कशीट के आंसर्स तब तक आप उसे सॉल्व करके रखोगे अभी हम इसको चला के देखते हैं कि ये कैसे काम करता है सो so, ये पाई है ठीक है हमने इम्पोर्ट पांडाज एज पी किया ये मैंने एक सीरीज ले ली जिसमें मेरा डेटा जो है उसमें ये वैल्यूज हैं और ये मेरा इंडेक्स है सो आई हैव सम वैल्यूज एज पर द वीक डेज मंडे ट्यूजडे वेंसडे के हिसाब से अब जब हम प्रिंट करा रहे हैं तो ये ऐसे प्रिंट कर रहा है मंडे की वैल्यू आ रही है ट्यूसडे की आ रही है वेंसडे की आ रही है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आ रही है नाउ वुड आई हैव टू डू आई हैव टू इट सो आई हैव टू शॉर्ट तो मैंने देखो क्या लिखा मैंने लिखा एस डॉट शॉर्ट सो जैसे ही आप शॉर्ट लिखना शुरू करते हो आप यहाँ पे देख सकते हो एक शॉर्ट वैल्यूज फंक्शन आ रहा है एक शॉर्ट इंडेक्स आ रहा है हमें क्या करना है वैल्यूज से सॉर्ट करना है ठीक है बस इतने सी लाइन लिखी मैंने और कुछ नहीं किया इसको रन कर दिया इसको रन कर दिया तो क्या होगा 2500 सबसे छोटा था मंडे का ठीक है वो आ रहा है उसके बाद फ्राइडे वाला आ गया ट्यूसडे नहीं आया क्योंकि उससे अगली वैल्यू 3000 है सो इट शोज फ्राइडे उसके बाद थर्सडे फिर ट्यूसडे पर जो डेटा है वो सॉर्टेड आ रहा है तो सबसे पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा एंड सो ऑन सो बाय डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है राइट right? आप चाहते हो कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो जब आपको इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है आपको यहाँ लिखना पड़ेगा एक एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू है फॉल्स असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स तो ये जो राउंड ब्रैकेट्स हमने लगाई थी सॉर्ट वैल्यूज की इसके अंदर एज एन एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे असेंडिंग और उसकी वैल्यू पुट करेंगे फॉल्स तो असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स करने से क्या हो जाता है इट डज इट लाइक दिस जैसे आपको याद होगा इलेवेंथ क्लास में आप लिस्ट को सॉर्ट करते थे अब पता नहीं इलेवंथ वाला आपको याद है या नहीं पर इलेवंथ क्लास में जब हम लिस्ट को सॉर्ट करते थे तो हम वहाँ पे सॉर्ट के साथ लिखते थे रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू सो वहाँ पे रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू लिखने से आपकी लिस्ट रिवर्स हो जाती थी यहाँ पे रिवर्स नहीं लिखते यहाँ पे लिखते हैं असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स अब काफ़ी बच्चे इसके बाद ये पूछते हैं कि मैम क्या डिसेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बेटा एट्रीब्यूट्स बनाए हुए होते हैं ठीक है एट्रीब्यूट्स आर ऑलरेडी डिफाइंड अगर मैं यहाँ डिसेंडिंग लिखती हूँ तो आप देख रहे हो डिसेंडिंग पे वो काम नहीं करेगा क्यों क्योंकि डिसेंडिंग कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है वो कह रहा है अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड वर्ड आर्ग्यूमेंट सो वी डोंट हैव एनी डिसेंडिंग एट्रीब्यूट ऐसा कोई एट्रीब्यूट हमारे पास है ही नहीं और असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू लिखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो असेंडिंग ही होता है तो अगर हम कुछ भी ना लिखें सो इट इज असेंडिंग सो आप असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू लिखोगे तो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा नहीं लिखोगे तो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो आपको असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स लिखना पड़ेगा एक चीज हो गई ठीक है डेटा के अकॉर्डिंगली सॉर्ट कर सकते हैं अब आप डेटा के अकॉर्डिंगली नहीं सॉर्ट करना चाहते आपका जो इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना चाहते हो तो आप एस डॉट सॉर्ट इंडेक्स लिख दो अब आप जब रन करोगे तो ये मंडे ट्यूजडे को सॉर्ट करेगा तो सबसे पहले अगर मैं क्योंकि ये स्ट्रिंग्स है ठीक स्ट्रिंग है स्ट्रिंग्स किस तरह से सॉर्ट होती हैं एल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो स्ट्रिंग्स आर सॉर्टेड एज पर एल्फाबेटिकल ऑर्डर सो ए बी सी D के हिसाब से देखें तो पहले एफ आता है दैट्स वाई इट्स शोइंग फ्राइडे फर्स्ट फिर एम आता है फिर एस फिर टी और फिर जाके डब्ल्यू ठीक है so, सो जब भी स्ट्रिंग्स सॉर्ट होती हैं दे आर सॉर्टेड एज पर एल्फाबेटिकल ऑर्डर फिर चाहे वो नाम हो चाहे वो आपका एड्रेस हो कोई भी चीज़ जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है वो उनकी एस्का वैल्यूज के अकॉर्डिंगली उनको सॉर्ट करता है और शो करता है तो जो ए से शुरू होते होंगे वो पहले आएंगे जो बी से आए वो दूसरे आएंगे अगर फर्स्ट लेटर सेम है जैसे ट्यूसडे और थर्सडे का फर्स्ट लेटर सेम है सैटरडे और संडे का फर्स्ट लेटर सेम है सो टी और टी सेम है तो यू और एच में से एच छोटा है इसलिए एच वाला पहले आ रहा है यू वाला बाद में आ रहा है सिमिलर वे सैटरडे संडे में से ए छोटा है यू बड़ा है तो सैटरडे पहले आ रहा है संडे बाद में आ रहा है सो दैट इज हाउ वी कैन सॉर्ट है ना काम लगता है कि बहुत बड़ा है अरे कितना बड़ा काम करना है सीरीज को सॉर्ट करना है पर कैसे करना है विद जस्ट अ स्मॉल लाइन आपको ये करना है कि आपको ये लाइन याद रखनी है आपको याद रहना चाहिए कि वो लाइन क्या है जिसकी हेल्प से आप सॉर्ट कर सकते हो तो वो लाइन बहुत सिंपल है दो फंक्शन है हमारे पास सॉर्ट अंडर स्कोर वैल्यूज एंड सॉर्ट अंडर स्कोर इंडेक्स आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसके केस भी क्या है क्योंकि पेपर में वो सॉर्ट का एस कैपिटल दे देंगे आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं है, है ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की सीबीएसई ने पूरी एक फाइल शेयर की है तो एक बार हम सीरीज कर लें इसके बाद मैं इसमें से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगी सो सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज में क्या है कि आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि बताओ इसमें से सही कमांड कौन सी है एक में लिखा है सॉर्ट एक में लिखा है सॉर्ट ठीक है एक में लिखा होगा सॉर्ट वैल्यूज कुछ भी और एक खाली सॉर्ट भी हो सकता है सो यू हैव टू टेल कि ये जो चार ऑप्शंस आ रही है इसमें से सही कौन सी है तो फर्क कितना है सिर्फ किसी के पीछे एस लगाया नहीं होगा किसी के पीछे स्मॉल लेटर होगा कैपिटल लेटर होगा इतने माइन्यूट माइन्यूट डिफरेंसेस से आपके पास ऑप्शन दी जाती हैं एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल मार्किंग द ऑप्शन एक चीज़ हमेशा याद रखोगे कि मोस्ट ऑफ़ द फंक्शंस जितने भी आपके पास सीरीज के साथ फंक्शन और एट्रीब्यूट हैं वो सब स्मॉल लेटर्स में होते हैं बहुत कम हमारे पास कैपिटल लेटर्स यूज होते हैं जैसे जब आप सीरीज बनाते हो तो सीरीज का एस कैपिटल होता है ठीक है इसके अलावा हमने सीरीज के साथ बहुत सारे एट्रीब्यूट्स किए हैं सो so, वो जितने भी एट्रीब्यूट्स थे वो सब स्मॉल में थे चाहे आप सीरीज़ का इंडेक्स देख लो चाहे आप सीरीज का डेटा देख लो चाहे आप वैल्यूज़ देख लो ठीक है चाहे आप उसमें एम चेक कर लो चाहे साइज ले लो शेप ले लो ये सब स्मॉल लेटर्स में है सो ऑल दीज आर इन स्मॉल लेटर्स एनडेम ले लो एन बाइट्स ले लो ऐसे ही हमने बहुत सारे फंक्शंस भी किए थे मैक्स सम मिन काउंट वो सब भी सारे स्मॉल लेटर्स में होते हैं तो मोस्टली कमांड स्मॉल लेटर्स में होती हैं बट इट प्लेसेस यू हैव कैपिटल लेटर्स तो वो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर वो कैपिटल लेटर्स यूज होंगे ठीक है सो दैट इज़ इट अबाउट सीरीज आई होप आपको सारा सीरीज समझ आ गया होगा तो इसके नोट्स आपको मेरे हैंड रिटन मिल जाएंगे उसके बाद भी मैं कहूँगी कि बेटर है कि आप उसमें से देखकर एक बार अपने हाथ से लिखो क्योंकि जब आप अपने हाथ से लिखते हो आपको वो चीज़ और ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है रिविजन भी हो जाती है ठीक है सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो दिस इज हाउ वी शॉर्ट अ सीरीज अगली क्लास में हम शुरू करेंगे डेटा फ्रेम्स पे कैसे काम किया जाता है और मैं प्लस एजुकेटेड हूँ अन अकेडमी पे आप लोगों को पता ही होगा नहीं भी पता है तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन फ़ायदा क्या है मुझे अन अकेमी पे ज्वाइन करके आई डू टेक नंबर ऑफ़ फ्री क्लासेस तो मेरी रोज़ क्लास होती है वहाँ पे जिसमें हम ना एम सी की करते हैं प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड तो आप सीखो यहाँ पर ठीक है लेकिन डू जॉइन मी ओवर देयर फॉर द दे पोल सेशंस बहुत मजा आता है इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं एमसीक्यू सेशंस किसी से दिन अटेंड करके देखो मजा आएगा आपको सो so, प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो अन अकेडमी पे भी चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो वीडियो को एंड शेयर इट विद ऑल योर क्लासमेट्स बाय अपलोड मोर कीप वॉचिंग कीप लर्निंग स्टे सेफ